गुजरात में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया और राज्य में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। इस बीच आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। आज से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 दिवसीय गुजरात के दौरे पर रहेंगे। गुजरात दौरे के पहले दिन यानी कि आज अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। बता दें केजरीवाल ने लोगों से पंजाब की तर्ज पर अपनी राय बताकर गुजरात चुनाव में आपके सेम कैंडिडेट चेहरे का चुनाव करने की अपील की थी और इसके लिए पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किए थे। आपको बता दें कि लोगों की प्रतिक्रिया और उनके पसंद के आधार पर ही केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे की घोषणा करेंगे। जानकारी दे दें कि पंजाब में भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। सीएम पद के चेहरे की घोषणा लोगों की राय के बाद ही की गई थी और लोगों के लिए एक नंबर जारी किया गया था जिसमें पंजाब के लोगों ने अपने अनुसार राय दी थी और इसके बाद ही सीएम के चेहरे का उम्मीदवार के चेहरे का ऐलान किया गया था। वैसे ही गुजरात में भी आज दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं।